नमस्कार, ऐसे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो महान शख्सियत हैं जो बहुजन समाज की कहीं भी बात हो और केसी विप्पल साहब ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो हमारे साथ हैं केसी विप्पल साहब। पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद विप्पल साहब। एक बात बताइए, आप बहुत बहुजन समाज की बात करते हैं, बहन कुमारी मायावती की बात करते हैं, साहब काशीराम साहब की बात करते हैं, तो लेकिन आज कहीं ना कहीं जो लैबिश चीजें बहुजन समाज की हैं वो समाज को कहाँ मिल रही हैं, जिसे आप बहुजन समाज बोलते हैं, तो वो लैबिश चीजें जो होती हैं वो समाज को कैसे मिलेंगी, क्या होगा? और जो मायावती इतनी आलिशान बंगलों में घूम रही हैं या आलिशान बंगलों में रह रही हैं, तो उसका बहुजन समाज को क्या मिल रहा है वो बताएं। देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि आपने बंगलों की बात तो कही, लेकिन जो उनका जो सेक्रीफाइज है, जो उनका बलिदान है, उसके बारे में भी आपको मतलब जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितना बलिदान किया है, और वो यहाँ तक अपने लिए नहीं पहुँची, यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको समाज ने पहुँचाया है, और समाज के लिए वो यहाँ तक पहुँची हैं, जिसमें उन्होंने जो उनके पूर्वज थे, जो उनके गुरु थे, जो उनके संत थे, बार बार देखा होगा बहन जी अपने संतों गुरुओं महापुरुषों की बात जो करती हैं, तो वो ऐसे ही नहीं करती। उसमें जो उनका बलिदान है संतों गुरुओं का, उसको फॉलो करती हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने अपना घर छोड़ दिया, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि मैं कोई संपत्ति नहीं बनाऊंगा, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, ये उनके बलिदान थे। इसी तरह से बाबा साहब अंबेडकर को काशीराम साहब ने फॉलो किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बलिदान थे। उनका बच्चा जब मतलब दवाई से मर गया, दवाई के अभाव में मर गया, उसके कफन के लिए उनके पास में कपड़ा भी नहीं था, और इस पूरे समाज के लिए वो पढ़ने के लिए विदेश गए, अपने यहाँ पर उन्होंने यातनाएं सही, पानी तक के लिए उन्होंने संघर्ष किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। उनका जो परिवार था आज बाबा साहब अम्बेडकर का कहीं दिखाई नजर नहीं आता है। काशीराम साहब का बलिदान है वो अगर पूरे समाज में नजर आता है, बाबा साहब का बलिदान है पूरे समाज में नजर आता है। उन्होंने अपने गुरुओं को फॉलो किया, महात्मा फुले थे, उन्होंने कहा देश से गुलामगिरी किताब लिख करके गुलामी दूर करनी है। महात्मा संत रविदास थे, उन्होंने समाजवाद की बात कही। आप आज का आप सोच सकते हैं, राम मनोहर लोहिया को याद करते हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न, सबकी प्रसन्नता की बात कर रहे थे। कहीं उनने कहीं अपनी जाति की बात करी, कहीं उसने किसी धर्म की बात करी, सबकी बात करी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करी। किसने करी? संत रविदास ने बात करी, एक मीराबाई ने उनको फॉलो किया, लेकिन वो इस जाति में पैदा होने के कारण उनको कहा कि ये छोटा संत है। संत भले ही छोटी जाति में पैदा हुए थे, लेकिन उनके विचार बहुत महान थे, और आज उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। संत कबीर, संत कबीर ने किसी की सुनी नहीं, संत कबीर ने सबकी बात करी, ना किसी धर्म की बात करी। अगर किसी को माना जाता है कि वो धर्मनिरपेक्ष था कोई व्यक्ति, तो इस देश के अंदर सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष तो महात्मा संत कबीर था। संत कबीर को आज सारी यूनिवर्सिटियां फॉलो कर रही हैं, उनके ऊपर पीएचडी हो रही है। मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, बिना पढ़े लिखे इतने बड़े संत, जिनका विचार उत्तम था, विचार बहुत ऊंचा था, और आज की उनका मतलब जो है जय जयकार होता है, सभी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो जुलाहा में पैदा हुए थे, इसलिए उनका कोई सम्मान नहीं है। तो उनका सम्मान स्थापित करने के लिए, उनका सम्मान कौन स्थापित कर सकता है इस देश के अंदर? उनका सम्मान वो ही स्थापित कर सकता है जो इस देश के अंदर जिसने अपमान सहा हो। हर अपमान के घूंट से एक सम्मान का वृक्ष पैदा होता है। बहन कुमारी मायावती, डॉक्टर अंबेडकर के बाद महात्मा काशीराम साहब के बाद बहुजन समाज की एक सशक्त नेता बन के उभरी है,
और वो यकायक यहां तक नहीं पहुंची, उनका एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, उनका बलिदान है, उनकी तपस्या है। वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, उन्होंने उसका त्याग किया, उन्होंने अपने घर से बेघर होकर के जगह जगह, हमने देखा उनको दिल्ली में देखा है, जब पनवारी कांड हुआ तो घर घर में जाकर के त्रिलोकपुरी में, कल्याणपुरी में, इसमें घर घर में घूमती थी, मैं भी साथ होता था उनके। लोगों ने उनके बलिदान को देखा है। जब उनको घर से निकाल दिया गया, मेरठ में जाकर के रहने लगी, परिवार से निकाल दिया गया, आपने सुना होगा महात्मा फुले का, गोविंद राव फुले ने उनका अपने घर से निकाल दिया, महात्मा फुले को, चौको शिक्षा के लिए काम कर रहा था, गोविंद राव फुले को भड़का दिया, ब्राह्मणों ने भड़का दिया, लेकिन वो अपने मिशन से नहीं रुके। आज महात्मा फुले को राष्ट्रपिता माना जाता है, सारा शूद्र समाज, सारा बहुजन समाज उनकी इज्जत करता है, उनको अपना मसीहा मानता है। और महात्मा फुले को आज बहन जी ने अपना आदर्श बनाया, उन्होंने भी सैक्रिफाइस किया। वो सैक्रिफाइस करके जब निकली, एक ऐसे परिवार से निकली जिनके पिता एक मामूली तार घर में नौकरी करते थे, उनके 6-7 भाई बहन होने के नाते, 3 बहन और 6 भाई होने के नाते पूरे परिवार का खर्चा भी नहीं चलता था। वो इंद्रपुरी के एक झुग्गी झोंपड़ी वाले इलाके में, रिसेटलमेंट कॉलोनी में उनके पिताजी रहते थे। जब उनको घर से निकाल दिया गया, मेरठ में रहने लगी कहीं पर किराए पे, उनको अपने जीवन यापन के लिए पैसे भी नहीं होते थे। उस समय उनके एक भाई सिद्धार्थ कुमार नौकरी करते थे, वो अपनी आधी तनख्वाह उनको जाकर के वहां चुपचाप दे आते थे। उनका भी मैं इसमें योगदान मानता हूं। समाज के लोगों ने पहले तो कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया, लेकिन जब धीरे धीरे करके उनके सैक्रिफाइस को देखा और उनके मूवमेंट को देखा, तो लोगों ने आर्थिक मदद भी करना शुरू कर दी। काशीराम साहब के समय में हम लोग जब काम करते थे, तो मुझे पता है उनका बहुजन संगठक पेपर बंद हो गया, दिल्ली के लोगों ने उनको पैसा देना बंद कर दिया, ये भी पैसा नहीं देते थे, अखबार फ्री में पढ़ते थे। जब वो इलाहाबाद में पहुंचे, मैं उस समय इलाहाबाद में था, उन्होंने एक अपील जारी करी कि मेरा पेपर बंद हो जाएगा, मुझे लगता है मेरा आंदोलन जो अब नहीं चल पाएगा, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, मैंने अपना परिवार भी छोड़ दिया है, मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकता, मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर मेरे समाज के लोग नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं, तो मैं ना नौकरी में जा सकता हूं, ना अपने घर वापस जा सकता हूं, लेकिन अगर मुझे चाहते हो आगे उस मिशन को बढ़ाना, तो ये आप लोगों के हाथ में है, इसको बंद करना चाहते हो तो ये आप लोगों के हाथ में है। तो उधर के इलाहाबाद के लोगों ने अपने जो उनकी महिलाएं थी, उनके जेवर बेच करके, उनके पास छोटा मोटा जो भी था, छोटे छोटे नौकरी करने वाले लोग थे, उन्होंने इकट्ठा करके उनके लिए पैसे दिए और ये बहुजन संगठन चल पड़ा। तो ये सैक्रिफाइस आज भी याद आता है। उनको बड़ी चिंता थी कि जब वो, उनके पास मीडिया का कोई साधन नहीं था, उन्होंने नागपुर से, छत्तीसगढ़ से एक टीम तैयार करी बाल राइटर की, जो दीवारों की लिखाई करते थे जगह जगह जाकर के। उन्होंने कहा हमारे पास अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है, तो हम दीवार की लिखाई से सस्ते में काम चलाएंगे। उससे काम चलाया। उनके पास एक भी गाड़ी नहीं थी, जो पहली गाड़ी थी उनके लिए फिरोजाबाद में एक टूटी फूटी एम्बेसडर कार उन्होंने दी थी, तो बड़े खुश हुए थे कि एम्बेसडर कार हमारे पास आ गई है। जब वो साइकिल से उन्होंने पूरी इस सफर को तय किया,
पूरे देश भर में साइकिल यात्रा चला करके उन्होंने समाज को तैयार किया। तो वो उसके लिए साइकिल ही बहुत थी, लेकिन वो कहते थे कि अगर हमारे पास साधन नहीं है लेकिन दूसरे के साधन को अगर हम लेकर के चलेंगे तो वो हमें जब सहारा देगा तो उसके साथ साथ इशारा भी देगा। इसलिए उन्होंने कहा अगर हम अपने पैरों पर चलेंगे तो हमारे लिए कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे धीरे जरूर चलेंगे लेकिन हमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अपने छोटे छोटे बड़े बड़े अधिकारियों ने उस समय उनका सहयोग नहीं किया, आईएएस ऑफिसर थे आईपीएस ऑफिसर थे उनका सहयोग नहीं किया, लेकिन छोटे छोटे क्लर्क ने चपरासी ने और इन लोगों ने बेचारों ने सहयोग करके एक एक रुपये से उनके लिए आगे बढ़ाया। पहली बार जब मैंने इलाहाबाद में देखा नैनी में उनके लिए जब 12,000 रुपये में तराजू को रख के तोला गया तो वो बड़े खुश हुए कि 12,000 रुपये मिलने लगे। जब उनके बाद कार मिली तो बड़े खुश हुए, जब उनको आगरा में थैली मिली तो बड़े खुश हुए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके वो इस पर पहुंचे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मूवमेंट था, काशीराम कहते थे कि फेल क्यों हुआ, वो कभी भी जो बढ़ते हुए को नमस्कार नहीं करते थे, चढ़ते हुए सूरज को सलाम दुनिया करती है, लेकिन काशीराम एक ऐसी शख्सियत थे जो नेगलेक्ट को सेलेक्ट करते थे, जिसको कोई नहीं पूछता था उसको सेलेक्ट करते थे, उसके पास जाते थे। वो कहते थे कि जिसकी इज्जत है जिसको सब दुनिया पूछती है वो मुझे क्या पहचानेगा। वो ऐसे आदमी के पास जाते थे जिसको कोई नहीं पूछता है और उसकी इज्जत भी बनती थी। उसमें काशीराम साहब की भी एक मिशन मूवमेंट बनता था, उनका एक फॉर्मूला था किसी अंक के पीछे अगर 0 लगा दो 10 बन जाता है और 1 0 और जोड़ दो 100 बन जाता है, और अगर उस अंक को इधर लेफ्ट साइड में 0 लगाएंगे तो नहीं बनेगा। तो मित्रता करते थे 0 से, जिस हैव नॉट है जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे मित्रता करते थे, उससे ताकत बनाते थे। तो वो ताकत से उन्होंने कहा कि मैं गुरु गोविंद सिंह का फॉलोअर हूँ, गुरु गोविंद सिंह ने सिख की चढ़ाई, सिख के बेटे थे काशीराम। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बताया है कि चिड़ियंते मैं बाज उड़ाऊं, 1,25,000 से 1 लड़ाऊं और चिड़ियंते मैं बाज उड़ाऊं। तो ये चिड़िया है, पिद्दी जातियां हैं, जब मैं इनको इकट्ठा कर लूंगा तो मैं इससे जो है बहुजन समाज बना लूंगा और इससे जो बड़े बड़े जो बाज हैं ऐसी शख्सियत को भी मैं इनसे भगा सकता हूँ, इनसे जीत सकता हूँ। तो इसलिए जो आज बहन जी के लिए बात बोली जाती है कि उनके पास आलीशान बंगले हैं और आलीशान गाड़ियां हैं, आलीशान उनका रहन सहन है, तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो काशीराम साहब का एक वो था कि उनका मूवमेंट जो फेल हुआ था वो पैसे के कारण फेल हुआ था, उनके पास पैसा नहीं था। तो बहन जी ने पहले तो कूपन से इकट्ठा करते थे पैसा, फिर उन्होंने पैसा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया कि जब तक संगठन के पास पैसा नहीं हुआ तब तक वो संगठन आगे नहीं बढ़ सकता है। और धीरे धीरे करके उनके जो सहयोगी जैसे जैसे पार्टी बढ़ती चली गई और उसमें पैसे की भी कमी जो है दूर होती चली गई, और वो पैसा कभी पूंजीपतियों से नहीं लेती, बड़े बड़े सेठ साहूकारों से नहीं लेती, जिस तरह से दूसरी पार्टियां ये जो बिजनेसमैन हैं उनसे पैसा लेती हैं, कॉरपोरेट घरानों से पैसा लेती हैं, तो ऐसा पैसा उनके पास नहीं आता। वो अपने कार्यकर्ताओं से और अपने पार्टी के लोगों से उनसे पैसा लेकर के उस कारोबार को आगे बढ़ाती हैं। और आज ये बड़ी खुशी की बात है कि उनके ज़्यादातर स्टेट में अपने खुद के ऑफिस हैं, खुद की गाड़ियां हैं, उन्होंने पैसा जो इकट्ठा किया है उस पैसे को मूवमेंट में लगाया है और उससे मूवमेंट जो है लाख कोशिशों के उसको बंद करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, लेकिन वो मूवमेंट आज नहीं रुक पा रहा है। इसमें मैं समझता हूँ समाज का ही सम्मान है, उसमें खाली ये जिस कमजोर समाज की जो एक मजबूत लीडर के रूप में आज उभरी हैं उनके पीछे आज जेड सिक्योरिटी फोर्स चलता है, वो मतलब उनके साथ में जो जो इज्जत मिलती है वो खाली उनकी इज्जत नहीं है बहन मायावती की, पूरे बहुजन समाज की इज्जत है। तो हमें इस रूप में देखना चाहिए। कहते हैं कितने अजीम हैं जमाने के लोग, खिलौना छोड़ के जज्बातों से खेला करते हैं। तो लोग बहुजन समाज को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, बहन कुमारी मायावती के उपलब्धियों को नहीं देखना चाहते। वो बहन कुमारी मायावती की उपलब्धियां नहीं है, वो तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, काशीराम की वो बाग हैं जो उन्होंने लगाए थे, आज उन पर फूल फल आने लगे तो सभी लोग जलने लगे हैं। लेकिन बहुजन समाज के मूवमेंट को मजबूत करने के लिए आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना पड़ेगा और हर क्षण साथ भी रहना पड़ेगा, तभी ये बहुजन समाज मजबूत हो पाएगा।
और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये चैनल भी बहुजन समाज का चैनल है और ये भी कहीं ज्यादा मजबूत हो सके। हमारे चैनल से बात करने के लिए सर धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे इसको मजबूती प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता भी करेंगे।